हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्सेनल। इस वीडियो पर आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, बहुत फीमेल को ऐसे भी प्रॉब्लम होता है, बहुत लड़की लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता है, 2 महीना 1.5 महीना तक पीरियड नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है और उस कंडीशन पर, उस सिचुएशन पर आप लोगों को कौन सा दवाई लेना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को फुल जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो तो आप लोगों को फुल जानकारी मिलेगा इसके बारे में। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आज को नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जानेंगे हम 2 महीना या 1.5 महीना तक पीरियड नहीं आने का क्या कारण हो सकते। बहुत लड़की लोगों को ये सब प्रॉब्लम होता है, 1.5 महीना 2 महीना तक पीरियड नहीं आता है, मीन्स नहीं होता है, तो इसका कारण क्या कारण हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, जिन लड़की लोगों को शरीर पर बहुत ही ज़्यादा ASB की कमी हो गए है, इसका मतलब खून की कमी या ब्लड की कमी, अगर किसी लड़की का शरीर पर बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो गए है तो उस कंडीशन पर पीरियड नहीं आता है या मेंस नहीं होता है या ब्लडिंग नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, अगर किसी फीमेल का शरीर पर बहुत ही ज़्यादा आयरन की कमी है, आयरन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन पर पीरियड नहीं आता है, मेंस नहीं आता है या ब्लडिंग नहीं होता है। कंडीशन नंबर 3, हार्मोन डिसबैलेंस, अगर किसी का हार्मोन डिसबैलेंस हो गया है तो उस कंडीशन पर पीरियड नहीं आता है। कंडीशन नंबर 4, अगर किसी का प्रेगनेंसी है तो उस सिचुएशन पर पीरियड नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, हम अभी जानेंगे अगर आप लोगों को 2 महीना तक पीरियड नहीं आ रहे हैं या 2 महीने तक मेंस नहीं हो रहा है, आपने प्रेगनेंस टेस्ट कराया है, आपका प्रेगनेंसी नहीं है, तो उस सिचुएशन पर, उस कंडीशन पर आप लोगों को कौन सा दवाई लेना चाहिए, कौन सा दवाई खाना चाहिए जो जल्दी आप लोगों को पीरियड लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ पर जो एक दवाई है, इसका नाम है रेजिस्टोन टेबलेट। इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 57 रुपीज़ कहीं भी मेडिसिन शॉप से आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चाहो तो इस टेबलेट को आप लोग ऑनलाइन से इसको ले सकते हो, ऑनलाइन से इसको खरीद कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो अभी जानेंगे इस टेबलेट को आप लोगों को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए जो जल्दी आप लोगों को पीरियड लाने में मदद करे। तो देखिए, आप लोगों को इस टेबलेट सुबह शाम 2 टाइम खाना पड़ेगा। कुछ खाने को बाद गर्म वाटर से, गर्म पानी से आप लोगों को खाना चाहिए। इसके साथ अगर आप लोग एम्टीटोन सिरप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा पीरियड लाने में। फ्रेंड्स देखिए, अगर ऐसा भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो तुरंत आप लोग ये दवाई और एम्टीटोन सिरप ले सकते हो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा जो पीरियड लाने में। फ्रेंड्स, और कोई भी आप लोगों को सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। फ्रेंड्स, और एक बात, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई मेडिसिन या कोई दवाई यूज़ करने से पहले अपना डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, बाद में मेडिसिन यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगला वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।